फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में परासरण दाब से संबंधित जितनी भी बातें थी वो समझा दिया था, परासरण दाब का फॉर्मूला पाई बराबर सीआरटी, उसका भी डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया था। सम परासरी विलयन, अति परासरी विलयन, अल्प परासरी विलयन, जितने प्रकार के विलयन थे उनका डिस्कशन आपसे कर लिया था। आज जो करेंगे वो हम परासरण दाब के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिये, नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया के m अपॉन 25, ये कैपिटल m क्या है? कैपिटल m ये है मोलरता। मैंने कहा था जब आपको मोलरता पढ़ाया था तो मैंने लिखाया था आपको विभिन्न मोलर सांद्रताएं, जिसमें आपको सेमी मोलर, डेसी मोलर, सेंटीमोलर, मिलीमोलर, ये सब लिखाया था, ये वहीं से आया है। तो मोलरता कितनी है? m/25। कहीं भी आप देखें कि इस सवाल में ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा कि वो मोलरता आपको क्वेश्चन में दे दी गई है ना। अब यहां पर मोलरता होता क्या? तो मोलरता सांद्रता की इकाई तो होती है। मोलरता क्या होती है? मोलरता एक सांद्रता की इकाई है। और सांद्रता क्या होती है? कंसंट्रेशन, कैपिटल सी। तो चाहे कैपिटल सी लिख लीजिए और चाहे कैपिटल एम लिख लीजिएगा उसके स्थान पर, सी या एम दोनों में लड़ाई चलती रहती, दोनों में से कोई भी मिलेगा तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, जो रखोगे आंसर बिल्कुल सही आएगा। चाहे सी की जगह पर ये रख लीजिएगा या एम रख लीजिएगा, एम का मतलब कैपिटल एम मोलरता हो जाएगी, तो मोलरता आपको दी गई है। या आपने सी रखा तो सी का मतलब समझ लीजिएगा कि आपको सांद्रता ये दी गई है, ठीक। उसके बाद देखिए, विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो यहां पर क्या करना होगा, यहां पर सबसे पहले मैं आपको फार्मूला जरा बताता हूं। देखिए, फार्मूला आपका होता है पाई बराबर सीआरटी, ये फार्मूला होता है परासरण दाब का। अब यहां पर क्या होगा कि यहां पर देखिए आपको दिया कौन गया है, यूरिया दिया गया। यूरिया एक विद्युत अनपघट्य होता है और विद्युत अनपघट्य के लिए जो आई की वैल्यू होती है 1/2 गुणांक, उसका मान 1 होता है, क्योंकि ये डिसोसिएट आयनों में तो टूटता नहीं, जितना होगा उतना ही मिलेगा हमें, तो इसके लिए जो आई की वैल्यू होती है वो 1 होती है। लेकिन यहां पर मैंने अभी आपसे 1/2 गुणांक की बात नहीं की है, तो इसलिए मैं बता देता कि यहां पर तो आई की वैल्यू 1 होगी, है ना। ये यहां पर इसके लिए हम आई नहीं रखेंगे। जब भी कोई आयनिक कंपाउंड आएगा आयनों में टूटने वाला, है ना, तो वो कितना प्लस माइनस आयन दे रहा है उसकी संख्या को आई की जगह पर लिखते हैं। और अगर आप यहां पर आई भी लिखना चाहें तो आई भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत अनपघट्य के लिए जो आई है, आई क्या है? 1/2 गुणांक। 1/2 गुणांक क्या होता है? धनायन या ऋणायन की संख्या देता है, है ना। तो ये जो ना तो धनायन देगा ना तो ऋणायन देगा, ये जितना देगा, जितना डालोगे उतना ही मिलेगा आपको यूरिया, है ना। तो ये अनायनिक कंपाउंड है, अनपघट्य, नहीं टूटता, तो इसके लिए जो आई की वैल्यू हो जाएगी 1। तो चाहे पाई बराबर आई सी आर टी से सॉल्व कर लीजिए या पाई बराबर सी आर टी सीधे लगा दीजिए। चलिए मैं आई भी करके करके दिखा देता हूं आपको। ये देखिए आई हो गया, तो आई की वैल्यू यहां पर क्या होगी? ये विद्युत अनपघट्य है, आयनों में नहीं टूटता, तो जो आयनों में नहीं टूटता आंख बंद करके याद कर लीजिए, उसके लिए आई की वैल्यू कितनी होगी? 1। जैसे यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, शक्कर हो गया यानी सुक्रोज सवाल में दे देता है, फ्रक्टोज दे दे, ग्लूकोज दे दे, है ना। यूरिया तो सामने आपके लिखा ही हुआ है ना। तो ये सब क्या होते हैं? आपके विद्युत अनपघट्य होते हैं, तो इसके लिए आई की वैल्यू 1। तो पाई बराबर आई सी आर टी, देखिए यहां पर सी है कंसंट्रेशन यानी सांद्रता, तो सांद्रता आपको क्या दी गई? सांद्रता के तौर पर यहां मोलरता आपको दी गई। मोलरता क्या है? सांद्रता की इकाई। तो हो सकता है कि कहीं कहीं पर फॉर्मूला देखेंगे तो ऐसे फॉर्मूला लगा हुआ मिल सकता है आपको, पाई इज इक्वल टू आई एम आर टी। ये भी फार्मूला बिल्कुल गलत नहीं, दोनों सही है। ए एम का मतलब है मोलरता, है ना, सी का मतलब है सांद्रता, सांद्रता क्या है? यहां पर मोलरता दी गई है, ठीक। तो चाहे इससे लगाइए चाहे इससे लगाइए, आंसर दोनों से सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए, तो यहां पर देखिए क्या दिया गया आपको, मोलरता दी गई है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं मोलरता, कैपिटल एम बराबर कितना दिया गया? एम अपॉन 25 दिया गया है ये। अब यहां पर m को हटा लेते हैं, तो m को हटा लेंगे, यहां पर 1 मान लेंगे, जैसे सवाल में आपको दिया जाएगा वहां पर से आप m हटा लीजिएगा, m की जगह पर 1 आ जाएगा, ठीक। तो यहां पर हो गया 1 आ गया। अब इसको चाहे यहीं छोड़ दीजिए या इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 0.04 आ जाएगा, है ना। तो चाहे इसको यहीं भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया मोलरता। उसके बाद आपको ताप दिया गया सेंटीग्रेड, और इस फॉर्मूले में जो ताप आपको रखना होता है वो केल्विन में रखना होता है, और ताप को केल्विन में चेंज कर लेते हैं। तो ताप आपको दिया गया कैपिटल टी, कितना है? 25
डिग्री सेंटीग्रेड, ये सेंटीग्रेड में है, इसको केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 273 जोड़ना पड़ेगा, तब ये केल्विन में चेंज हो जाएगा। तो चलिए इसको चेंज कर लेते, 25 प्लस 273 ये कितना हो जाएगा, तो 5 3 8 और 7 2 9 और ये 298 केल्विन हो गया, ये हो गया। अब क्या करेंगे, सीधे इस फॉर्मूले में आई की वैल्यू, इसके लिए क्या होगी, आई की वैल्यू 1 होगी, तो यहां पर रख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। चलिए मैं इस साइड में इसको कर देता हूं। फॉर्मूला दोनों में से चाहे जो लिखिए, पाई बराबर मैंने लिख लिया आई सी आर टी, आपकी इच्छा हो आई एम आर टी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो पाई बराबर आई का मान कितना हो जाएगा 1, सी सी का मतलब है सांद्रता, यहां पर सांद्रता की इकाई कौन दी गई है सवाल में, मोलरता, मोलरता कितनी है, देखिए मोलरता आपके सामने लिखी है 1/25, तो इनटू 1/25। आर आर की वैल्यू आपको रटना होगा, याद रखना होगा 0.0821, है ना, ये याद रखिएगा 0.0821 इनटू टेम्परेचर यानी ताप, केल्विन में चेंज किया है, कितना आया है 298, तो यहां हो जाएगा 298। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 24.465, यानी यहां पर आपको मिल जाएगा 24.465। इन दोनों का मल्टीप्लाई, ऊपर तो 1 है, ऊपर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पाई बराबर हो जाएगा 24.465 और नीचे हो जाएगा आपका 25। ये डिवाइड कर लेंगे, ये डिवाइड कर लेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, तो डिवाइड कर जाएगा 0.9786 और ये क्या हो जाएगा एटीएम यानी वायुमंडल, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा एटीएम एटमॉस्फेयर या वायुमंडल आप लिख सकते हैं। तो पाई बराबर 0.99786 आपका एटीएम आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, जो प्रश्न आपसे लिया गया है, देखिए ये क्या है, कहता कि किस ताप पर ग्लूकोज का 5% वेट बाय वॉल्यूम आ गया, वही आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ऊपर W है, W किसके लिए होता था, द्रव्यमान के लिए, V किसके लिए होता है, वॉल्यूम यानी आयतन के लिए, तो ये द्रव्यमान ये आयतन, यानी ये द्रव्यमान ये आयतन, तो ऊपर द्रव्यमान नीचे आयतन, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत तो सामने लगा है, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ये दे दिया है आपको, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो 5% वेट बाई वॉल्यूम विलयन 7 वायुमंडल परासरण दाब उत्पन्न करता है, यानी किस टेम्परेचर पर, है ना, तापमान पूछा आपको, टी कैलकुलेट करना है, तापमान ज्ञात करना है, तो किस ताप पर ग्लूकोज का 5% वेट बाई वॉल्यूम विलयन 7 वायुमंडल परासरण दाब उत्पन्न करेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो चलिए अब देखिए यहां पर करना कुछ नहीं होता, समझना केवल आपको, खेल ये समझना है, ये अगर आपको पता है तो ये सवाल तो हो जाएगा आसानी से। अब ये क्या होता है, तो ये है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, कहां से पता चला कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ऊपर W दिया गया था, W द्रव्यमान के लिए होता है, यहां पर V दिया गया था, ये आयतन के लिए होता है, तो मुझे पता चल गया कि ये द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत दिया गया है। अब ये 5% वेट बाई वॉल्यूम, बहुत सवाल मैंने आपको करवाए हैं इस तरीके के, बहुत प्रैक्टिस करवाई है ना, तो 5%, चलिए वहां यहां भी आपको समझा दूंगा कि ये क्या होता है, तो 5% वेट बाय वॉल्यूम, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है कि 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में संख्या, उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है, इसे डब्ल्यू बाई वी से प्रदर्शित करते हैं, तो ये वही होगा। तो चलिए इसका मतलब सबसे पहले आपको मैं इसी का अर्थ लिखा देता हूं कि ये क्या होगा, क्योंकि यही आपको समझना होता मेन। चलिए तो सोल्यूशन में हो जाएगा कि 5% वेट बाई वॉल्यूम का अर्थ है कि क्या अर्थ होगा इसका, नीचे है वॉल्यूम आयतन, आयतन किसमें होता है ml में, मिलीलीटर में, और कितना मिलीलीटर, तो 100 मिलीलीटर, एक मानक बनाया गया 100 मिलीलीटर का, ठीक, तो आयतन कितना हो जाएगा 100 मिलीलीटर, ऊपर क्या है विलेय का भार, विलेय का भार किसमें होगा ग्राम में, कितने ग्राम होगा, तो ये जो क्वांटिटी लिखी होगी वही मात्रा हो जाएगी इसकी, है ना, और कौन होगा,
तो आपको नाम देखे किसी का दिया, ये देख लिया है कौन दिया गया है, ग्लूकोज दिया है। यानी पांच ये क्या है, ये क्वांटिटी दी गई है ग्राम की, ऊपर वाले की क्वांटिटी दी गई होती है। यहाँ यहाँ जो भी आपको नंबर दिया जाएगा वो किसकी वैल्यू होगी, ऊपर वाली क्वांटिटी की। ऊपर क्या है, भार है, तो भार कितना है 5 ग्राम। और किसका, तो सवाल में आपको बता दिया होगा किसका, तो यहाँ पर कौन कहा गया है, ग्लूकोज। जो भी विलय होगा उसी की ये क्वांटिटी दी गई होगी आपको सवाल में, सब में ऐसे ही समझना है, ऐसे ही करना है। तो ये दिया गया आपको 5 ग्राम, ठीक। चलिए अर्थ है कि 5 ग्राम कौन, ग्लूकोज, 5 ग्राम ग्लूकोज किसमें, तो 100 मिलीलीटर, द्रव्यमान प्रतिशत में 100 मिली में परिभाषा थी, तो यहां पर 5 ग्राम ग्लूकोज 100 इधर लिख देते हैं, 100 मिलीलीटर में उपस्थित है। इतनी चीज आपको समझनी थी मेन, यहां से बहुत सारी चीजें पता चल गई। 5 ग्राम क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होगा, विलेय, विलेय का भार कितना है 5 ग्राम, पता चल गया। 100 ml, 100 ml, 100 ml का क्या है, विलयन है ना, तो विलयन का आयतन कितना दिया गया है 100 मिलीलीटर, 100 ml, ठीक। उसके बाद और आपको कुछ दिया गया, हाँ वायुमंडल पराशरण दाब भी आपको दिया गया है, तो पाई आपको दिया गया है कितना, 7 ATM, यानी 7 ATM आपको पराशरण दाब दिया गया है। तो दो चीजें दी गई, अब फार्मूले को आप सामने, पहले बार मैं फार्मूला लिख देता हूं आपके सामने, पाई बराबर, फार्मूला क्या होगा, तो फार्मूला आपका हो जाएगा WRT हो जाएगा, और नीचे क्या होगा, स्मॉल m इंटू ये हो जाएगा v, ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था। अब यहां पर क्या है, आयतन को लीटर में रखना होता था, तो यहां अगर आयतन आपको ml में दिया गया, मिलीलीटर में, तो क्या करेंगे, 1000 से भाग करते हैं, होगा 1000 से भाग करना पड़ेगा लीटर में बदलने के लिए, आपको मिलीलीटर में दिया गया है, तो चाहे कन्वर्ट करके रख लीजिए चाहे मिलीलीटर में ही रख लीजिए। अगर मिलीलीटर में रखेंगे तो यहां पर 1000 भी आ जाएगा, तो ये 1000 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू आर टी अपॉन स्मॉल एम इंटू वी इंटू 1000। देखिए ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब आपको देखिए यहां से पता क्या क्या है, तो यहां पर देखिए ये क्या है, स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार, विलेय का भार कितना है 5 ग्राम ग्लूकोज है जो कि विलेय है, ठीक। आर क्या है, आर है नियतांक, आर का मान आपको याद रखना होगा चाहे दिया जाए या ना दिया जाए, 0.0821 मान फिक्स होता है। उसके बाद टी टेम्परेचर यानी तापमान, यही तो आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहा है, किस ताप पर, ऊपर ही देखिए लिख दिया किस ताप पर, 1000 तो आपको सवाल ये फॉर्मूले में ही मिलेगा। स्मॉल एम, स्मॉल एम क्या है, विलेय का आणविक भार, विलेय कौन है, ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज का आणविक भार कितना होगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, उसका आणविक भार कैलकुलेट करेंगे 180 आएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा। उसके बाद वी है आपका आयतन, आयतन किस में रखना होता था, लीटर में, लेकिन यहां पर अगर आपने 1000 लगा लिया है तो आपको लीटर में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे आप यहां पर इसको रख सकते हैं, ठीक। तो चलिए यहां पर ये हो गया, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। अब देखिए यहां पर मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूं इस साइड में, तो यहां पर क्या है कि विलेय का भार, स्मॉल डब्ल्यू क्या है आपका, विलेय का भार, तो चलिए लिख लेते हैं कि पाई बराबर विलेय का भार स्मॉल डब्ल्यू, विलेय कौन है, ग्लूकोज, ग्लूकोज का भार कितना 5 ग्राम, तो ये हो जाएगा 5। कैपिटल आर, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी होगी, 0.0821, चलिए तो 0.0821 ये हो जाएगा। टेम्परेचर यानी तापमान, तापमान तो आपको कैलकुलेट ही करना है, और मल्टीप्लाई में क्या है 1000 है, तो ऊपर यहां क्या हो जाएगा, ये 1000 है, लास्ट में लिखा 1000 है, ठीक। नीचे देखिएगा क्या है, नीचे आपका स्मॉल m, स्मॉल m क्या है, विलेय का भार, विलेय कौन है, ग्लूकोज, ग्लूकोज का भार कितना होता है 180, निकाल लीजिएगा C6H12O6 फॉर्मूला होता है, आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना आएगा 180। आयतन, आयतन आपको विलयन का कितना दिया गया है 100 मिलीलीटर, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, तो इसको रख लेंगे यहां 100। अब देखिए यहां पर आपको टी, लेकिन यहां पर पाई भी तो आपको दिया गया है, पाई कितना दिया गया था, पाई आपको दिया गया था ये 7 वायुमंडल, पराशरण दाब भी तो दिया गया, तो यहां पर कितना दिया गया है 7, तो पाई की जगह
सेवन रख लिया। अब फार्मूले को पछांतर कर लिया जाए, चेंज कर लिया जाए, तो चलिए अगर आपको यहां से टी कैलकुलेट करना है तो टी निकालना है तो ये सब क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई कर देगा, ये सब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा ना, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये टी निकालना होगा तो ये अपान में आ जाएगा। ये समझ पा रहे हैं यहां पर, नहीं समझ पा रहे हैं, चलिए समझा देता हूं। 7 180 1000 बराबर, इधर देखिएगा 5, ये मैंने इधर मल्टीप्लाई में भेज दिया तो 5 0.0821 into t into 1000, इतना तो समझ में आया होगा, इधर से मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, ठीक, तो ये दोनों बराबर में हो गए। अब इधर से t कैलकुलेट करना है, अगर t निकालना तो इसको इधर भेज दीजिए, ये सब गुणे में, ये बटे में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो देखिए t बराबर क्या बनेगा, कैपिटल t बराबर 7 × 180 × 1000, ये होगा 1000 नहीं, यहां 100 होगा, ये 100 होगा, यहां पर 100 है ना, ये 100 है तो ये 100 होगा, नीचे क्या होगा 5 × 0.0821 और नीचे क्या हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा। अब देखिए यहां पर पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो सबसे पहले हम पॉइंट हटा लेते हैं, पॉइंट में बड़ी दिक्कत रहती है ना, अगर आपको भी ऐसे सॉल्व करना हो तो इसको हटा लीजिए, तो यहां से हम क्या करेंगे पॉइंट को हटा देंगे तो कितने जीरो बढ़ेंगे, 1 2 3 4, पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतने जीरो बढ़ेंगे, तो यहां पर 1 2 3 4, 4 जीरो बढ़ गए। अब देखिए 3 जीरो यहां पर हैं, तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गए, कट गए, उसके बाद ऊपर क्या बचाओ 1 2 3, ये हो गया 1000, ये बच गया है ना, उसके बाद और क्या है आपका 180 और ये 7 है, तो नीचे देखिए क्या बचा, अब ये कैपिटल टी बराबर 7 × 180 और क्या है 1000, नीचे क्या है 5 × 821, अब जो कटने वाला है और काट दीजिए, 5 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, 5 से कट जाएगा तो 5 × 2 = 10, ये 200 हो जाएगा है ना, अब ये हो गया आपका 200। अब यहां पर क्या करना होगा, अब आपको इसको गुणा भाग करना होगा तभी आपको आंसर मिल जाएगा, चलिए हम गुणा भाग कर लेते हैं इसका, तो ये हो गया 200 और ये हो गया 18, 18 दुन्ना कितना हो जाएगा 36 है ना, तो चलिए ये हो जाएगा, यानी 18 दुन्ना कितना हो जाएगा 36, 36 होगा और 3 जीरो बढ़ जाएंगे 36000, 36000 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करें 0 0 0 और 7 × 46 = 2 हो जाएगा और ये 4 × 46 = 2 और 17 × 4 = 25, यानी ये हो जाएगा 25, ऊपर हो जाएगा 25 2 1 2 3 0 और नीचे क्या होगा 821, यानी ये आपका हो जाएगा 25 और 2000, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार दहजार लाख 2,52,000 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं 8 से, तो चलिए डिवाइड भी मैं आपको करके दिखा देता हूं 8 से, इसको 8 से डिवाइड कर लेंगे 2 5 2 1 2 3, तो ये कितनी बार में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बार में और 16, 2 बार में होगा तो 2 2 4, 2 2 4 4 8 16, ना 3 बार में जरा हम इसको देख लेते हैं, तो ये डिवाइड कर लेंगे तो 2 बराबर 291.16, तो 291.16 और टेम्परेचर किसमें होता है, केल्विन में, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ये आपको मिल जाएगा, आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं, यहां पर ये मिल जाएगा। तो इधर मैंने कैलकुलेशन किया था, इसको जरा एक बार फिर से लिख देता हूं मैं कि पाई बराबर आपका लिखा हुआ था, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं।
तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं इस लास्ट क्वेश्चन का, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है कि 5% वेट बाई वॉल्यूम, फिर यहां वही दे दिया वेट बाई वॉल्यूम, द्रव्यमान प्रतिशत, वेट बाई वॉल्यूम, शर्करा विलयन 0.877% यूरिया विलयन के क्या है सम परासरी है। देखिए ये सम परासरी विलयन से क्वेश्चन बना दिया गया है ना, ध्यान से समझिएगा इसको। यदि शर्करा का परमाणु भार 342 हो तो यूरिया का परमाणु भार ज्ञात कीजिए। यूरिया फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO, यूरिया का परमाणु भार कितना होता है 60। तो आंसर तो ऐसे ही मिल गया, ऑब्जेक्टिव में आए तो सीधे 60 लगा देंगे, है कि नहीं। लेकिन हमें क्या करना होगा, यहाँ इसको कैलकुलेशन करके बताना होगा कि ये कैसे होगा। तो सबसे पहले 5% वेट बाई वॉल्यूम, अभी मैंने आपको इससे पहले एक सवाल करवाया, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 5% वेट बाई वॉल्यूम सरकरा का जो विलयन है वो यूरिया विलयन के क्या है सम परासरी, यानी दोनों का पराशरण दाब। सम परासरी विलयन क्या होता है, जिनके पराशरण दाब बराबर होते हैं। तो इसका पराशरण दाब जो होगा सरकरा विलयन का, उसको पाई वन लिख लें। जो आपका यूरिया विलयन है, यूरिया वाले विलयन का पराशरण दाब हम पाई टू लिख लें। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई वन बराबर पाई टू, ये हो जाएगा। और पाई बराबर होता क्या सीआरटी, तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर हम लिख लेंगे सीवन लिख लेंगे, आर टी हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा सी टू आर टी। देखिये यही होगा, कल भी मैंने आपको बताया था सी वन आर टी सी टू आर टी, आर टी से आर टी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ। अब इधर क्या बचेगा सी वन और इधर क्या बचेगा सी टू। तो सम परासरी विलयन के लिए मैंने कल भी आपको बताया था, जब वीडियो में पढ़ाया था तो वहां भी बताया था कि सी वन बराबर सी टू या एम वन बराबर एम टू। अगर इसकी जगह पर आप एम रख लेंगे, एम का मतलब मोलरता, तो M आ जाएगा M1 बराबर M2, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आप M भी रख सकते हैं C भी रख सकते हैं, ठीक। तो यहां पर देखिएगा, अब ये क्या है, इसका मतलब 5% वेट बाई वॉल्यूम है ना। शर्करा का अर्थ है कि 5 ग्राम शर्करा 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित है, इसका मतलब तो यही होगा। तो विलयन का आयतन कितना होगा 100 ml 100 मिलीलीटर, ठीक। अब देखिए ये क्या लिखा है, सांद्रता, सांद्रता क्या होता, तो सांद्रता होता है C बराबर एन अपॉन वी। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सांद्रता का, फॉर्मूला क्या होता है सांद्रता का, फॉर्मूला यही तो होता है C बराबर एन अपॉन वी, यानी प्रति लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या। तो देखिए ये V है, ये मोल है, तो ये हो गया C बराबर एन अपॉन वी। तो जहां पर C1 लिखा उसके लिए क्या बन जाएगा, C1 के लिए बन जाएगा एन वन अपॉन वी वन बनेगा, C2 के लिए क्या बन जाएगा C2 बराबर एन टू अपॉन वी टू। तो जहां पर C1 C2 लिखे, क्या मैं यहां पर नहीं लिख सकता हूं सांद्रता की परिभाषा से, फार्मूला आगे बढ़ा सकते, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, मन सीधे डायरेक्ट लिख देता, काट देता, आंसर दे देता, ठीक। तो यहां से C बराबर n अपॉन v होता तो C1 की जगह n1 अपॉन v1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। C2 की जगह n2 अपॉन v2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए C1 की जगह क्या लिख लेंगे, C1 की जगह हम लिख लेंगे n1 अपॉन v1, C2 की जगह n2 अपॉन n2 अपॉन क्या हो जाएगा V2। तो V1 V2 क्या है, आयतन है, और आयतन कितना होगा, तो देखिए सम परासरी विलयन है ना, इसका कह दिया 5% वेट बाई वॉल्यूम, यानी 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित 5 ग्राम ये है सरकरा, तो विलयन का आयतन दोनों में क्या होगा 100 100, है ना। यहां पर जैसे अगर रखना चाहें तो एन वन वी वन कितना होगा, ये 100 होगा, इसका भी 100, और इधर क्या होगा एन टू, इसका भी कितना होगा 100, तो ये 100 100 क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया। एन वन एन टू क्या है, एन वन है आपका, देखिए एन वन किसके लिए आया है, तो पाई वन के लिए, पाई वन परासरण दाब किसका है सरकरा का, यानी इधर अगर आप लिखना चाहें तो इधर सरकरा है, इस साइड में सरकरा है, और इधर क्या है आपका, इधर है आपका यूरिया, पाई टू यूरिया का परासरण दाब है और सरकरा का पाई वन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सरकरा का मोल और ये क्या हो जाएगा यूरिया का मोल हो जाएगा। तो अब मैं इसको इरेज कर देता, इसको आप चाहे लिख लीजिए, इसको मैं इरेज करके इधर सॉल्व कर देता हूं, तो आप इसको लिख लीजिए, ये लिख लिया होगा आपने, चलिए मैं इधर सॉल्व कर देता हूं इसको। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, n बराबर क्या होता है w अपॉन m, विलय का भार बटे और भार, मोल होता है मोल, n क्या होता है मोल, और n1 मोल किसका है तो सरकरा का है, सरकरा का मोल है, तो सरकरा का क्या हो जाएगा भार बटे अणुभार लिख सकते हैं। अगर यहां वन वन करना चाहें तो यहां वन वन कर सकते हैं, n2 की जगह पर n2 क्या है आपका यूरिया का मूल, तो यूरिया का मूल क्या हो जाएगा यूरिया का भार बटे अणुभार। चलिए तो यहां पर लिख लेंगे W2 अपॉन
एम टू ये हो जाएगा। यहां से देखिए डब्ल्यू वन कितना है, डब्ल्यू वन है विलय का भार, विलय ये पहले वाले विलयन का जो आपका विलय है, विलय कौन है सरकरा, यानी शक्कर, शक्कर का भार कितना है 5 ग्राम, तो ऊपर रख लिया 5, ऊपर 5 हुआ। नीचे कितना होगा, नीचे है अड़भार, तो अड़भार देखिए सरकरा का अड़भार कितना दिया गया, अड़भार या परमाणु भार एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर हो सकता है कि मोलर द्रव्यमान लिखा हो, तो मोलर द्रव्यमान लिखा हो तब भी कोई टेंशन ना लीजिएगा, परमाणु भार की जगह अड़भार, परमाणु भार या मोलर द्रव्यमान कुछ भी लिखा हुआ हो तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक। तो ये लिखा हुआ 5 और ये मोलर द्रव्यमान या परमाणु भार है किसका, शक्कर का, कितना दिया गया है सरकरा का दिया गया 342, ये 342 हो जाएगा। ये अड़भार, ये भार है किसका, ये भार है आपके यूरिया का, कह रहा तो समपराशरी है, तो समपराशरी होने का मतलब क्या है कि ये जो भार है कितना है, देखिए इसका कितना दिया गया था, ये इतने परसेंट यूरिया दिए गए थे 0.877, तो इसका भार कितना 0.877, तो 0.877, और इसका अणु भार कितना है, तो यही अणु भार तो आपको कैलकुलेट करना है ना। चलिए तो ये अड़भार आपको कैलकुलेट करना, यानी यही M2 आपको फाइंड करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, M2 बराबर क्या होगा, M2 बराबर देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा इधर और ये हो जाएगा उधर, यानी ये हो जाएगा, ऐसे कर लीजिए इसको 5 M2, पूरा चेंज करके दिखाता हूँ, 0.877 × 342, ये होगा M2 आपको कैलकुलेट करना, 5 नीचे चला जाएगा, तो M2 बराबर हो जाएगा 0.877 × 342, और नीचे कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब यहां से आप M2 कैलकुलेट करेंगे इसको गुणा भाग करके, तो आपको मिल जाएगा 299.934 और नीचे मिल जाएगा आपको 5, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 59.58 आ जाएगा, तो आपको ये जो आंसर मिल जाएगा इसका, वो आंसर आपका यहाँ पर लिख देते हैं, इस जगह पर मैं इसका आंसर लिख देता हूँ कि M2 बराबर 59.58 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, यानी M2 जिसका अड़भार आ गया वो कितना है 59.59.58, और ये लगभग 60 के बराबर है, इसको 60 ही मान लिया जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से यूरिया का अड़भार कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसको गुणा करके आप भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने नहीं किया इतना लंबा, आप इसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये क्वेश्चन हो जाते हैं परासमण दाब से। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए हुए होंगे, वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।